अस्सलाम वालेकुम। मारिया बी का बहुत ही खूबसूरत सा प्योर शिफोन का आर्टिकल इन स्टॉक आया है। शिफोन कलेक्शन में से एक और आर्टिकल आप लोगों के लिए रेडी करवाया, बहुत ही खूबसूरत कलर और फैब्रिक के साथ। आई मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले इसका कलर बता दूँ, इसका बहुत ही खूबसूरत सा टी पिंक कलर है और प्योर शिफोन है। इसके बाद दुपट्टा भी शिफोन पे है, फॉइल वर्किंग है, सीक्वेंस वर्क है, बहुत ही खूबसूरत इसकी नेकलाइन पे गोटा वर्क हुआ हुआ है। तो कंप्लीट मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है। सबसे पहले इसका फ्रंट शो कर रही हूँ, जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा सारा थ्रेड वर्क है और नेकलाइन इसके ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी है, हुई हुई है। ये देखें सारी इसकी शर्ट पे इस तरह से सारा देखें थ्रेड वर्क है, मैट सीक्वेंस है, बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है। क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन है। जो लोग बाय करते हैं उन्हें पता है कि हमारा फैब्रिक, हमारा काम कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बताने से नहीं, इसको परचेज़ करने के बाद पता चलेगा कि चीज़ कैसी है। अच्छा, ये नेकलाइन देखें, इसके ऊपर ही सारी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही आउट क्लास सी। सारा इसके ऊपर फॉइल वर्किंग है, पर्ल्स हैं और गोटा वर्क है। ये देखिए, इसके अंदर गोटा वर्क है, इसके अंदर सारा हुक वाले स्टोन है, पर्ल्स हैं, फॉइल वर्किंग है, सेम एज ओरिजिनल इसके ऊपर सारा काम है। जितना हो सकता है मैं क्लोजअप करके दिखा रही हूँ। ये इसकी शर्ट क्या सेंटर में ये पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद ये फैब्रिक है, वीडियो पूरी देखनी है और बहुत डिटेल में, ठीक है। मैं हर चीज़ डिटेल में बता रही हूँ, ये देखें आप। अच्छा, ये जो मैं फैब्रिक शो कर रही हूँ, ये स्लीव्स का फैब्रिक है और फ्रंट का राइट और लेफ्ट पैनल इस फैब्रिक में से निकलेंगे। जैसे इसमें आपको शो किया हुआ, ये देखें स्लीव्स का फैब्रिक है और राइट और लेफ्ट, ये देखें ये फैब्रिक जो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये फैब्रिक है, इसमें आपके स्लीव्स भी बनेंगे। क्लोजअप करके दिखा रही हूँ आपको, सारा इसके ऊपर थ्रेड सीक्वेंस और फॉइल वर्किंग है, फुल फैब्रिक पे, बहुत ही खूबसूरत प्योर शिफोन है। फैब्रिक भी बहुत फाइन है, इसकी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फाइन है। फुल फैब्रिक पे फॉइल वर्किंग, सीक्वेंस और थ्रेड वर्क है। ये पैनल राइट और लेफ्ट के लिए भी यूज़ होगा और स्लीव्स में से भी। कटिंग मैंने नहीं किया हुआ, कटिंग आपका टेलर खुद कटिंग करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद अभी मैं सेट करूँगी, फिर आपको दोबारा से डिटेल बता दूँगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है। कलर इसका टी पिंक है, बहुत ही खूबसूरत सा स्किन कलर नहीं है, गोल्डन में भी नहीं जा रहा, टी पिंक कलर है इसका। बैक इसकी प्लेन है, ठीक है। और अब मैं इसकी नेकलाइन और सॉरी पैचेस बता दूं। ये दोनों पैचेस इकट्ठे हैं, यानी फ्रंट और बैक का कटिंग नहीं किया, कटिंग करके आप इसके फ्रंट और बैक पर अटैच करेंगे। इसके ऊपर भी सेम सीक्वेंस हैं, पर्ल्स और सॉरी सीक्वेंस, थ्रेड, तिल्ला और सारा फॉइल वर्किंग है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा ये पैच है। अब मैं इसको सेट करूँगी, इसी का ट्राउज़र नीचे बिछा कर, रॉ सिल्क का ट्राउज़र है, सेम कलर में ये नीचे बिछा कर फिर सेट करूँगी, फिर आपको शो करती हूँ। इसके साथ इनर नहीं है, ट्राउज़र ही मैं बिछाने लगी हूँ। अच्छा, मैंने मेजरमेंट की है इसकी, उसका जो फैब्रिक मेरे पास जो पूरा फैब्रिक आ रहा है वो 43 है और जो ये नीचे वाला बॉर्डर है ये 7 इंच का आ रहा है। तो आप देख लें आपकी जो लेंथ है वो अच्छी बन जाएगी, ठीक है। 43 मेरे पास पूरा फैब्रिक आ रहा है शर्ट की और 7 इंचेस का ये वाला पैच है, तो आराम से आपका जो है वो लॉन्ग शर्ट में बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, डिटेल देख लें दोबारा से, स्लीव्स का फैब्रिक और फ्रंट के राइट और लेफ्ट पैनल स्लीव्स के फैब्रिक में निकलेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा है। मैंने नीचे बिछाया हुआ है, ट्राउज़र मैं ऑलरेडी नीचे बिछा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने फ्रंट का जो शर्ट है वो आप लोगों को शो की थी, वो आपको दिखा शो की थी। इस तरह से नेकलाइन इसके ऊपर ही बनी हुई है, कलर इसका टी पिंक है, बैग भी मैंने शो कर दिया। उसके बाद फ्रंट और बैक का दामन पैच जो मैंने नीचे बिछाया हुआ है, ठीक हो गया। अब आगे ये दोनों पैचेस, ये देखें ये शर्ट के कॉर्नर पे लगेंगे, इस तरह से डिज़ाइन बना हुए शर्ट पे लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे ये लगेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये स्लीव्स के आगे की कफ पट्टी है, इसके ऊपर भी सारी थ्रेड सीक्वेंस हैं और सारी पर ये फॉइल वर्किंग है, फॉइल वर्किंग, सीक्वेंस, थ्रेड, बहुत ही खूबसूरत सी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, ये स्लीव्स की आ गई, ठीक है। उसके बाद प्योर शिफोन का ही इसका दुपट्टा है, क्योंकि शिफोन कलेक्शन है मारिया बी की, जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी शिफोन दुपट्टों में, और बहुत ही हिट और खूबसूरत आर्टिकल है। दुपट्टा देखिए आउट क्लास इसका फैब्रिक है, विड्थ भी अच्छी खासी है, लेंथ भी अच्छी खासी है और दुपट्टे के सारे सेंटर में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वेंस है और सारा थ्रेड वर्क है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही फाइन।
जो लोग लाइट वेट में इस तरह के ड्रेसेस पसंद करते हैं उनके लिए परफेक्ट है। अब ये दो पल्लू आगे दुपट्टे के छोटे साइड के पल्लू में कटिंग करके एज इट इज़ इसको आपने अटैच करना है साथ, ठीक है। इसको अटैच किया हुआ है और इसके ऊपर भी सारा सीक्वेंस थ्रेड और फॉइल वर्किंग है। ऑर्गेन्जा के ऊपर है ये, आपने पल्लू अटैच करने हैं। ये देखें ऊपर एप्लिक नहीं हुए हुए, इसके साथ अटैच किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये थ्री साइड बॉर्डर हैं, ये देखें फोर साइड, सॉरी तीन पट्टी हैं, फोर साइड बॉर्डर आ जाएंगे कटिंग करके। इसके ऊपर भी सेम एम्ब्रॉयडरी है, फॉइल वर्किंग है, सीक्वेंस है और थ्रेड वर्क है। बहुत ही खूबसूरत सा आपका दुपट्टा रेडी हो जाएगा। फोर साइड बॉर्डर भी इसके साथ ही अटैच हो जाएंगे। ये देखें कटवर्क करवाना है, पर्ल्स लगाने वो आपकी मर्जी है, वो स्टिचिंग में ऐड होगा।